गाइस देखिए मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ कालम बीच पे और यहाँ निकली। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बट लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से बंद था ये। लेकिन अभी कुछ दिन, मतलब 3-4 दिन हुए हैं ओपन हुए इसको, कालम बीच को। तो मैं आई हूँ और मुझे लगता है कि मैं ही सबसे पहले आई हूँ। नहीं, ये गलत है, मतलब मैं ही नहीं आई हूँ, पीछे भी बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लोग हैं जो आए हुए हैं। और आज संडे है तो फन डे भी है, इसीलिए लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो हम भी आए यहाँ पे, एंजॉय करेंगे और आपको पूरा जो ये बीच है पूरा हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइज मुझे अभी बहुत ही ऑसम फील हो रहा है, मतलब कि मैं बता नहीं सकती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। और मैं अभी पानी में चल रही हूँ, ये देखिए। और मेरे सामने जब मैं आई थी तो बहुत ही कम लोग थे, चुनिंदा लोग थे। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने देखिए गाइज कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है, कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और अभी 4 बजे ही, इवनिंग के 4 बजे हैं। और जैसे जैसे और शाम होगी, जैसे जैसे और शाम होगी 5 बजे का 6 बजे का, वैसे ही और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होगी, क्राउड और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और हाँ, यहाँ पे हम जिसके लिए आए वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, वो तो वो काफ़ी अच्छा व्यू होता है यहाँ पे, और इसी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही अच्छा व्यू होता है। तो हम आपको दिखाएंगे और चलते हैं अभी। ये देखिए सनसेट भी होने वाला है, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइस सनसेट होने वाला है, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है समुद्र में। देखिए कितना बढ़िया और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए गाइस, ये पीछे आ रहे हैं भाई साहब, कार चला रहे हैं पानी में। और देखिए आ रहे हैं, अभी पास में आएगा तो दिखेगा आपको। ये देखिए, ये भी यहाँ पे आए हैं इंजॉय करने के लिए। और गाइस आप लोग बताइए कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं अच्छी, बिकॉज यहाँ पे जो समुद्र की जो लहरें हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उसकी वजह से हो सकता है वॉइस जो क्लियर नहीं आ रही होगी। और ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हॉर्स राइडिंग शुरू हो गया है। ये देखिए तो लोग बैठ के इस पर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये गाइस जब मैं आई थी तो बिल्कुल कम लोग थे, लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। और सारे लोग घर से बाहर निकले हैं क्योंकि पैंडेमिक कोरोना के चलते सब लोग घर में, मतलब बोर हो गए थे और अभी घर से बाहर आए हैं और सब इंजॉय करें। देखिए बहुत सारे लोग हैं। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ, यहाँ पर देखिए ये इधर कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बाइक चला रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। गाइस जब मैं आई थी तो पानी एकदम यहाँ था, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, और अभी धीरे धीरे पीछे जा रहा है पानी। पहले एकदम वहाँ पर था पास में और अभी बहुत दूर हो गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, ये जो देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ से पूरा ये, यहाँ से यहाँ तक, पूरा आगे तक, यहाँ तक पूरा नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं और मुंह में भी आ रहे हैं। और गाइस एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, गाइस ये देखिए सेट होने वाला है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और जब ये सनसेट होगा तो मैं अगर रहती हूँ तो आपको दिखाऊँगी। जैसे जैसे शाम हो रही है और भी ज़्यादा क्राउड बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये आप देख सकते हैं।
चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं, यहाँ पे मतलब कितना खूबसूरत व्यू है। ये देखिए पूरा पीछे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक, और बहुत ही ज़्यादा लंबा बीच है ये, बहुत ही बड़ा है। और ये देखिए इधर मेरे पीछे सारे कपल्स हैं, और इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फैमिली वाले लोग हैं, जो पैंडेमिक कोरोना के बाद लॉकडाउन में इतने दिन से बंद थे, जैसे होता नहीं कि पक्षी पिंजड़े में बंद रहते उसके बाद अचानक से निकलते हैं ना, वैसे ही सब बाहर आ गए हैं। और अभी सब बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि कोरोना वोरोना कुछ है ही नहीं है, सब ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए सारे लोग यहाँ पे आके इंजॉय करें। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क नहीं लगाया, ऐसा कुछ मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती हूँ, मैं लगाई थी। बट क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ पे मैं खड़ी होकर शूट कर रही हूँ यहाँ पे कोई नहीं है। और एक चीज़, हाँ गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो होटल और रिजॉर्ट वगैरह दिख रहे हैं ये सारे ओपन हो गए हैं। और यहाँ पे मतलब अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे चिल करने के लिए, घूमने के लिए। और गाइस ये देखिए सनसेट होने वाला है, कितना अच्छा व्यू है मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं सनसेट के टाइम पे, अभी तो 5 बज रहे हैं, अगर मैं रहती हूँ तो उसका व्यू भी बहुत ही खूबसूरत होता है यार। मैं कई बार आई हूँ यहाँ पे, तो सनसेट के टाइम पे इतना खूबसूरत व्यू, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, ये देखिए अभी हम यहाँ पे खड़े थे, पानी था बट अभी बहुत ज़्यादा दूर चला गया है वहाँ पे, तो अभी हम जाएंगे पानी में वहाँ पे और खूब सारा इंजॉय करेंगे। और आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और खूब सारा शेयर भी करिएगा। इधर देखिए बहुत सारे लोग अंदर नहा रहे हैं, और उधर वहाँ पे एकदम सामने बीच में देखिए वो आइलैंड है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के बारे में, कि हॉर्स राइडिंग यहाँ पे शुरू हो गई है या नहीं, ऐसा कुछ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अभी वो भाई साहब बहुत दूर चले गए, अभी इधर पास में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी शुरू हो गई है। तो ये देखिए गाइस, हॉर्स राइडिंग वाले भैया इधर आ गए हैं, और इन्होंने बताया कि पर पर्सन का ये 80 रुपये लेते हैं एक राउंड का। और इधर सामने घोड़ा गाड़ी वाले भैया हैं, तो चलिए हम उनका भी दिखाते हैं आपको। बड़े का 50, बच्चे का 30, कितने चक्कर लगाएंगे? बड़ा एक ही, कहाँ से? वो जो जहाँ जंगल है, अच्छा वो वहाँ तो जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं वहाँ से यहाँ तक का 50 रुपये एक लोग का, कुछ कम नहीं होगा? चलो 80 दे दे, फिर भी बहुत ज़्यादा ले रहे हो। आप ही चलाते हो? अच्छा, हमेशा रहते हो कि बस आज ही? आज ही आए हो? अच्छा, आपका ड्राइवर रहता है। तो गाइज ये है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैलगाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। तो गाइस ये घोड़ा गाड़ी, अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो ये भैया आप ही मिलेंगे, ये मिलेंगे, या फिर इनका जो ड्राइवर है वो अभी बीमार है, नहीं है, तो वो मिलेगा। और हम जैसे लोगों के, बड़े लोगों का 50 रुपये लेगा,
और जो बच्चे हैं उनका 30 रुपये लेगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरी वीडियो में कि जब कभी वो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई उसमें वो लोग बोलते हैं कि आपने बताया नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें बता दी। 30 रुपीस लेते हैं यहाँ से वहाँ तक का। वो बहुत ज़्यादा जो क्राउड दिख रहा है अभी जहाँ मैं थी उसके और आगे, तो वहाँ तक का 50 रुपीस लेंगे और बच्चों का 30 रुपये। तो अगर आप जब भी आते हैं यहाँ पे तो घोड़ा गाड़ी की सवारी ज़रूर करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाइज अभी मैं उधर थी एकदम पीछे और अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। ये देखिए ज़्यादा क्राउड है, कितने ज़्यादा लोग आ गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोविड चल रहा है। गाइस सनसेट शुरू हो गया है और कितना अच्छा व्यू है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कभी आप डिप्रेस्ड होते हैं या टेंशन में होते हैं और उसके बाद आप समुंदर के किनारे आते हैं, तो यहाँ आने के बाद मतलब सारी टेंशन थकान सब दूर हो जाती है। मतलब एक तरीके से यहाँ आने के बाद ना एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं अगर ये कहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसीलिए मुंबई के लोग ग्रोथ करते हैं। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ और मैंने आपको दिखा दिया है सनसेट का व्यू। और इधर से वो सामने से वहाँ से एग्जिट का एग्जिट है और उधर ही स्टॉल लगे हुए हैं खाने पीने के। एक टाइम था कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे रहते थे खाने पीने के, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ है तो वो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और उधर ही से एग्जिट है तो उधर ही से हम आगे घर की तरफ निकल जाएंगे। तीन स्टॉल लगे हुए हैं और पहले मैंने बताया कि पहले बहुत सारे स्टॉल रहते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद यहाँ पे 3 ही स्टॉल लगे हैं। और अगर मैं आपको कहूँ तो अगर आप यहाँ पे आते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं तो बाहर खाना अवॉइड करिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने अभी देखा ये लोग प्रिकॉशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये लोग मास्क वगैरह भी नहीं लगाए हैं। तो आप लोग बाहर जब भी जाइए अभी बाहर खाना अवॉइड करिए, खुद से ही अपना जो भी है आप लेके जाइए वहाँ पे खाने के लिए। पूरे बीच पे कितने सारे लोग हैं, कितने ज़्यादा लोग हैं, देखिए वहाँ तक पूरा। और गाइस ये पूरा कलम बीच का व्यू मैंने आपको दिखाया है यहाँ का पूरा प्रॉपर वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और खूब सारा शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।